तो ये क्या थे ये वर्नास थे ये चार वर्नास थे द वना वॉज डिटाम ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द लेटर पीरियड द वर्नाज केम टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ दिस गिव राइज टू कास्टिस दिस कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द विियड अटन नोटिस अबाउट द लीडिंग ऑफ आइडियल लाइफ हैल एस्टेब्लिश there were four stages of uh, of ashram or four ashramas from birth to death. there were ashram was the, the ashram or the period of staying with the guru to learn from him brahmchari ashram. तो क्या हुआ चार चार कास्ट अभी बन गई ब्राह्मण कृष्ण एंड शूद्रा तो ये वरनास पहले डिटरमाइन हुए लोगों के ऑक्यूपेशन के ऊपर पर फिर ये हो गया फिर वरनास को डिटरमाइन कर दिया बेसिस ऑफ बर्थ के ऊपर और इसके कारण कास्ट सिस्टम का राइज हुआ और इन इक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ी तो ऐसा हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और शूद्रा का बेटा ब्राह्मण नहीं बन पाएगा ये चीज़ हो गई पर पहले ही ऑक्युपेशन के ऊपर था कि कौन क्या काम करता है उसको उसके नाम से बुलाया जाता था पर अभी बर्थ के ऊपर आ गए इसके कारण इनइक्वालिटी राइज हुई ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन वैदिक पीरियड के टाइम uh, कुछ आइडियल लाइफ का जो ये चीज़ थी, थी ये इस्टैब्लिश हुई अच्छे अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए लाइफ uh, के चार स्टेजेस थे अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ द फर्स्ट आश्रमा वॉज Uh, ब्रह्मचार्य आश्रम या फिर वो आश्रम जिसमें आप गुरु के साथ रह के उससे सीखते हो द स्टेट द नेक्स्ट स्टेट आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम तो जब जो पहला स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम वो कंप्लीट होने के बाद था ग्रीष आश्रम आश्रम जिसमें आप होम लेबर हो या आप काम करते हो इट वाज एक्सेप्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज फॉरवर्ड टू हिज फैमिली और सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ तो ये स्टेज में पढ़ाई लिखाई होने के बाद आदमी को उसके ड्यूटीज फैमिली और सोसाइटी के तरफ करना है उसके बीबी के साथ मिलके और फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आश्रम जहाँ पे एक आदमी को एक्सपेक्ट टू द डिटैच टू हेम सेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड रिटायर फ्रॉम द सोलिटरी प्लेस एंड लीड टू अ वेरी सिंपल लाइफ द फोर्थ स्टेज वॉज द सन्यासा आश्रम एट दिस स्टेज द

बचपन से लेके बड़े होने तक आप आपके गुरुजी के साथ रहते हो जब आप तक उससे सीख लेते हो फिर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो जहाँ आप आप आपके फैमिली ड्यूटीज़ करते हो आपके जो भी फैमिली ड्यूटीज़ है वाइफ चिल्ड्रन ये सारी चीज़ें और सोसाइटी की ड्यूटीज़ वो होने के बाद आदमी को एक सिंपल लाइफ जीना शुरू हो जाता है उसे डिटैच कर लेना चाहिए उसके हाउस से खुद को आ, सिंपल लाइफ एक्सेप्ट डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड और आराम से एक सॉलिटरी जीवन जीना चाहिए उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज वो है संन्यास आश्रम जिसमें आदमी सब चीज छोड़ के संन्यास लेता है और ह्यूमन लाइफ का मीनिंग ढूंढने खुद के uh, एक सफर पे चला जाता है रिलीजियस आइडियाज इन द रिलीजियस आइडियाज ऑफ द वैदिक पीरियड द फोर्सेस ऑफ नेचुरल सन एज द दैचुरल सच एज सन विंड रेन लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिवर्स वर गिवन द फॉर्म ऑफ डिबिट्स वैदिक कंपोजिशन प्रे देम देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्स द वैदिक पीपल पुट फोर्सिंग इन टू दस फायर हार्ड डेम दिसरिंग वर कॉल्ड हवी यस इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इन टू फायर इनिशियली दगना रिचुअल वॉज वेरी सिंपल लेटर ऑन द रूल्स ऑफ द यकना बिकम हार्डर एंड हार्डर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीस्ट वाइजिंग एज पर देखो क्या हुआ रिलीजियस आइडियाज तो भी बहुत लोग रिलीजन पर मानते थे तभी ये सारे भगवान नहीं थे Uh, तभी लोग फायर वाटर ये सारी चीज़ों पर जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनको ही उतना उनका गॉड मानते थे क्योंकि वो लिविंग फोर्सेज है फायर को ऐसी स्पिरिचुअल uh, चीज़ मानते थे जो बहुत ज़्यादा प्योर है और वो उनकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा और वो फायर को भोग चढ़ाते थे कुछ खिलाते थे या फायर के अंदर कुछ डालते थे आज पर अगर वो जल गया फिर वो ये मान मान लेते थे कि फायर ने वो चीज़ खा ली है या ऐसा कुछ और फिर इसके कारण ये खाने के लिए उन्हें कुछ यज्ञस या कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती थी वैदिक लिटरेचर के हिसाब से आ, कि वो उनके घर के लिए वो और बेटर हो और यज्ञस और हार्डर और हार्डर होते गए टाइम के साथ और प्रीस्ट की जो वैल्यू है क्योंकि हार्डर हार्डर होते गए तो ज़्यादा लोग ये बोल नहीं पाए जो जो प्रीस्ट जो बोल पाते थे उनकी वैल्यू बढ़ी और प्रीस्ट की वैल्यू बढ़ने ही लगी दोस्तों

were termed by the vedic principle uh, vedic people as rita the life of the all living beings is a part of the cycle in the nature disturbance in the cycle in of the nature leads to calamities everyone should be careful not to let it happen everyone should every, everyone should be careful not to let it happen nobody should break the laws of the nature it was believed दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म नेचर के रॉज नहीं लॉज नहीं तोड़ना वही उनका धर्म था खुद की चीज़ें बना लेना पर नेचर को नुकसान नहीं करना वही उनका धर्म बन गया था दोस्तों क्योंकि समर रेनी और विंटर ये साइकिल है ये बार बार आती रहती है तो इन लोगों ने ये मान लिया कि मेरी लाइफ भी इसी साइकिल के साथ जुड़ी है और ये नेचर की जो साइकिल है जो मेरे लाइफ के साथ कंटिन्यू हो रही है और मेरे मरने के बाद कंटिन्यू होगी वो उसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और मुझे वही रखना और ये उस चीज़ को मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिस्टर्ब ना हो यही मेरा धर्म बन चुका है दोस्तों ये उनकी आइडियोलॉजीज़ थी पॉलिटिकल सिस्टम इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड नोन एज ग्राम ही ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म एट विशी हु वॉज हुज हेड कॉल्ड विशापति सर्वल विश फ्रॉम द जना लेटर व्हेन द जना सेटल्ड इन टू स्पेसिफिक रीजन इट केम टू नोन एज जनपता द हेड ऑफ द जना वॉज नोन एज राज और राजा द किंग राजा माना जाता था जनपद के रूलर को जना के रूलर को द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग ऑफ द किंग व टू प्रोटेक्ट द पीपल को कलेक्ट टैक्सीस एंड रन द एडमिस्ट्रेशन इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ओन्ंग अपंटेड वेरियस ऑफिसर्स द प्रीस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी व ऑफि ऑफिश ऑफिसर्स ऑफ द स्पेल इम्पोर्टेंट द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड द टैक्सीस वोन एज भाग दत्त द भाग मीन्स शेर द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेर ऑफ द ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द जना कॉल्ड द भाग दत्त दे वर फोर इंस्टीट्यूट हु गाइडिड द किंग्स सभा समिति वेदांत एंड जना ये चार लोग किंग को गाइड किया करते थे कि कैसे तुम्हें अगर तुम संभाल भी रहे हो तो तुम्हें कैसे संभालना है किंग को तो आता ही था और अगर किंग ने कभी गलती कर दी तो वही लोग हैं जो किंग को हटा भी सकते हैं या नए किंग को ला भी सकते हैं या उस किंग को बेटर भी बना सकते हैं द पीपल ऑफ़ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग वूमेंस टू पार्टिसिपेटेड इन वर्किंग ऑफ सभा एंड विता सभा ऑफ सीनियर सिटीजन्स Of the state, whereas the Samiti was a general body of people. Later on, the Vedic thought, Simrati and Puranas were composed after the period of time the literature, the li stream based on the Vedic Vedas, Simrtas, Puranas, and the local tradition came to know as Hinduism. All the Vedic streams, uh, there were a lot.

और नेक्स्ट चैप्टर में जो चैप्टर हमारा ले, ले ट्रेड्स ऑफ इंडिया जिसमें अलग अलग रिलीजन माने जाते थे बिसाइड हिंदुइज़्म तब तक तो लिए गुड बाय